चलो आज हम बनाएंगे अपना बुफे के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल सैंडलवुड पनीर टिक्का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गोपाल। हमारा किचन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे चंदन की पनीर टिक्का या सैंडलवुड पनीर टिक्का। तो दोस्तों हम अपना किचन पे सैंडलवुड पनीर टिक्का या चंदन की पनीर टिक्का किस तरीका से बनाते हैं वो मैं रेसिपी शेयर करूंगा आपको इस वीडियो में। तो चलो वीडियो के अंदर बनाते हैं सैंडलवुड पनीर टिक्का। सैंडलवुड पनीर टिक्का बनाने के लिए यहाँ पर देख रहे मैंने सारे मिसा तैयार कर लिया है। आपको क्या करना है, पनीर काटना है। देख रहे मैंने कैसा राउंड शेप में पनीर काटा है। ये अपना रेस्टोरेंट पे अलाकार स्टाइल पे ऐसा पनीर काटा जाता है। तो आप लोग पनीर किस में काटेंगे, ये देख रहे काटर है। इस काटर का सहायता से आपको राउंड करके सेम ऐसा ही पनीर काटना है। तो देख रहे मैंने सारे पनीर को अच्छा से कटिंग कर लिया है। और पनीर के लिए देख रहे सांसलिक वेजिटेबल मैंने यहाँ पर लिया है ओनली तीनों कलर का बेल पेपर्स। आपको सेम ऐसा ही तीनों कलर का बेल पेपर्स कटिंग करना है। तो देख रहे पनीर कटिंग डन, बेल पेपर्स कटिंग डन। अब हम क्या करेंगे, इस पनीर को फास्ट मैरिनेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पनीर को फास्ट मैरिनेशन के लिए ऐड करेंगे नमक आधा चम्मच। नेक्स्ट ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट डेढ़ चम्मच, और ऐड करेंगे थोड़ा सा सलाद ऑयल, और नेक्स्ट ऐड करेंगे दो नींबू का लेमन जूस। तो आपको क्या करना है, इस पनीर को अच्छा से थोड़ा मिक्स कर लेना है, मतलब फास्ट मैरिनेशन करना है। ध्यान रखना है पनीर जाते ना टूटे, तो प्यार से आपको इसे अच्छा से मिक्स कर लेना है। हमारा फास्ट मैरिनेशन डन। अब हम इसे आधा घंटा के लिए चिल्लर पे रख देंगे और इसका बीच में बनाते हैं इसके लिए मसाला। अब एक मिक्सर का पेस्ट तैयार करते हैं। यहाँ पर देख रहे मैंने लिया है अमूल चीज, ग्रीन चिल्ली और कैसुनेट। देख रहे मैंने इसे अच्छा से वॉश करके भिगो के रखा था पहले से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एक पेस्ट तैयार करना है। मसाला तैयार के लिए डीप बॉल तैयार है, मतलब बड़ा सा एक बेसन लेने का है जिसमें अच्छा सा मिक्स कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐड करना है भुना बेसन। ये देख रहे मैंने बेसन को ऑलरेडी पहले से भून के रखा था। नेक्स्ट ऐड करेंगे हैंग कर्ड। आप कितना क्वांटिटी का पनीर बना रहे हैं उसका हिसाब से आपको दही लेना है मसाला के लिए। नेक्स्ट ऐड करेंगे वन स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। नेक्स्ट ऐड करेंगे ग्रीन चिली कैसुनेट चीज। मैंने इसे क्रीम डाल के पेस्ट किया है, आप लोग चाहे तो मिल्क डाल के भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ऐड कर लेंगे ये सारे पेस्ट, थोड़ा थिक करके पेस्ट कीजिए, ज़्यादा लिक्विड ना रखें। नेक्स्ट ऐड करेंगे नमक, मसाला की स्वादिष्ट अनुसार आपको क्या करना है, ऐड करना है नमक। ऐड करेंगे वन स्पून चाट मसाला पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर वन स्पून, ग्रीन कार्डमम पाउडर वन स्पून, सिनेमन स्टिक पाउडर वन स्पून। नेक्स्ट ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ओनली फॉर कलर के लिए और हल्का सा स्पाइसी के लिए। ऑलरेडी हमने ग्रीन चिल्ली का पेस्ट ऐड किया है, मतलब चीज कैसुनेट क्रीम का साथ। तो ऐड कर लेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो दोस्तों नेक्स्ट ऐड करेंगे सैंडलवुड पाउडर। आपको सैंडलवुड पाउडर मार्केट में इजी सा मिल जाता है, अगर नहीं है आपको हाई कॉस्टली रेट का सैंडलवुड खरीदना है और इसमें हल्का सा इंडियन स्पाइसेस मसाला डाल के पाउडर करना है। ये मैंने होममेड पाउडर किया है सैंडलवुड, और आपका मनपसंद जैसा ग्रीन कार्डमम, रोज पेटल और आपको जावित्री, सिनेमन स्टिक, ये दो दो दाना डाल सकते हैं। इसको अच्छा से पाउडर करना पड़ता है। तो यह सैंडलवुड का पाउडर बेटर रहेगा, आप लोग मार्केट में इसे इजी से खरीद ले। चलो इसे ऐड करेंगे हम एक से डेढ़ चम्मच। नेक्स्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा सलाद ऑयल, ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, नेक्स्ट ऐड करेंगे सैफ्रन,
अब हम क्या करेंगे, इस मसाला को अच्छा से मिक्स कर लेंगे। आपको अच्छा से इस मसाला मिक्स करना है, अच्छा से मिक्स कर लेना है। मिक्स होने के बाद आपको इसे अच्छा से टेस्ट करना है। इसमें नमक लाइटली स्पाइसी और आपको सैंडलवुड का फ्लेवर बराबर है कि ना, आपको क्या करना है, सैंडलवुड का फ्लेवर का साथ में ज़बरदस्त चटपटा मसाला तैयार करना है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, पनीर को लेना है, वन बाय वन करके ऐसा ही मसाला में अच्छा सा लपेटना है। इस डिश में अच्छा से अरेंज करके आपको रखना है। देख रहे, पूरा मसाला का साथ पनीर को वन बाय वन करके अरेंज करना है। थोड़ा केयरफुल से, पनीर भी जाते ना टूटे और मसाला अच्छा से मिक्स हो जाए, आपको सारे पनीर को मिक्स करके सेट करना है। दोस्तों पनीर मिक्स डन। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये सांसलिक वेजिटेबल लेना है, बचा हुआ मसाला में अच्छा से इसे भी मिक्स करना है। और आपको क्या करना है, इस पनीर का ऊपर अच्छा से इसे अरेंज करके रखना है। और रखने के बाद अब हम इसे आधा घंटा के लिए चिल्लर में रखते हैं। आधा घंटा का बाद हम इसे तंदूर में ग्रिल करेंगे। तो दोस्तों चलो, काफी समय बीत चुका है, लगाते हैं 1% पनीर और ग्रिल करेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको तंदूर का सबसे पतला वाला सरिया लेना है और इस सरिया में आपको सबसे पहले बेल पेपर्स लगाना है। आप लोग एक साथ दो दो कलर का लगाइए, एक रेड और एक येलो। तो एक पनीर लगाएंगे, नेक्स्ट लगाएंगे ग्रीन बेल पेपर्स, एक रेड बेल पेपर्स। तो देख रहे, मैंने पोर्शन के हिसाब से अलग अलग 4 पीस पनीर सैंडलवुड टिक्का तैयार है। आप चलो इसे तंदूर में ग्रिल करेंगे। तंदूर तैयार है, आपको क्या करना है, टिक्का को तंदूर में इसे रखना है, सरिया को सेम ऐसा, लेकिन ध्यान रखना है हमारा तंदूर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। जब आपका तंदूर का टेम्परेचर ज्यादा हो तो क्या करना है, आपको तंदूर का लीड डालना है और इस पनीर को अच्छा से हाफ डाउन ग्रिल करना है। देख रहे, पनीर हाफ डाउन ग्रिल हो चुका है। आप चलो इसे अच्छा से बटर मार के बटर ब्रश कर लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे, हमारा सैंडलवुड पनीर टिक्का पूरा ग्रिल कर साथ तैयार है। तो पनीर रोस्ट डन। यहाँ पर देख रहे, मैंने प्लेट तैयार कर लिया है। यह है सलाद, सुल्ताना चटनी, आपको ड्राई ग्रेस का चटनी तैयार करना है, और दही और सेसमी सीड का चटनी, ये डीप मैंने तैयार कर लिया है। अब आपको क्या करना है, जब आपका प्लेट अच्छा से अरेंज हो जाए, नेक्स्ट आपको क्या करना है, पनीर को वन बाय वन करके इस प्लेट में अच्छा से निकालना है। तो देख रहे, पनीर टिक्का प्लेट पे तैयार है। अब आपको क्या करना है, ऊपर से ऐड करना है 2 से 4 बूंद शुद्ध देसी घी। इस पे आपका सैंडलवुड का जो पनीर टिक्का का टेस्ट दुगनी बढ़ जाता है। और ऊपर से क्या करना है, आपका मनपसंद कोई भी एक जबरदस्त गार्निश तैयार करना है। सैंडलवुड पनीर टिक्का तैयार है। रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। मैं हूँ आपका दोस्त गोपाल, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नया इंडियन खाने का साथ। बाय बाय, थैंक यू।